राष्ट्रीय हिंदी दिवस में आप सबका हार्दिक स्वागत। हेलो फ्रेंड्स, हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द अडॉप्शन ऑफ हिंदी लैंग्वेज एज द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया ऑन 14th सितंबर 1949 ऑन द 50th बर्थडे ऑफ बौहर राजेंद्र सिंह The leader of several people rallied and lobbied pan-India in favor of Hindi. Thus, this decision was ratified by the Constitution of India that came into effect on the 26th of January 1950. Under Article 343 of the Indian Constitution, Hindi written in Devanagari script was adopted as the official language. आइए हम हिंदी सीखिए और बोले। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। चले हम इस दिन की शुरुआत प्रार्थना से करें। हिंदी दिवस अवसर पर आओ हम हिंदी पढ़ें और पढ़ाएं। हिंदी है हमारी भाषा, आओ इसे अपनाएं। हिंदी बोलने में हमें शर्म नहीं, हमें गर्व होना चाहिए। नमस्ते, आज 14 सितंबर हिंदी दिन। अंग्रेजी भाषा को बढ़ते चलन और हिंदी के आंदेके को रोकने के लिए हर साल 14 सितंबर को देश भर से हिंदी दिवस मनाया जाता लगा। आज़ादी मिलने के दो साल बाद 14 सितंबर 1949 के संविधान समिति एक मत से हिंदी को राजभाषा से घोषित किया गया था। उस दिन के बाद हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस से मनाए जाने लगा। आप सबको मेरी और हिंदी दिन के हार्दिक बधाई। धन्यवाद। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 के हिंदी को भारत के राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। हर साल 14 सितंबर में भारत के और विदेशों में स्थिति करना सभी केंद्रीय सरकार कार्यालयों में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है। हिंदी भाषा सभी भारतीयों के बीच सौहार्द और एकता की भावना को जागृत करती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। हिंदी दिवस के दिन हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए जाते हैं। चौदह सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इस दिन के महत्व देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा। बता दे, पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में मनाया गया था। हिंदी हमारी शान है, देश का अभिमान है। हिंदी।
भाषा पर सारी दुनिया भारी 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 है। इस भाषा पर सारी दुनिया भारी 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 है। हम है हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है। हम है हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है। जो गूंजे अभिराम चारों वेदों के मनों में जो गूंजे अभिराम राम कृष्ण की वाणी है ये और गीता का ज्ञान। राम कृष्ण की वाणी है ये और गीता का ज्ञान। इसके शब्दार्थों की शोभा न्यारी 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 है। तुमने हिंदुस्तानी हिंदी भाषा हमको प्यारी है। गंगासी पावन का जिसमें है शिखरो सामान। गंगासी पावन का जिसमें है शिखरो सामान। उस भाषा के हम भाषी है हमको अभिमान। उस भाषा के हम भाषी है हमको अभिमान। हम ना भूल सकेंगे इसको जब तक जहां भारी है। हम है हिंदुस्तानी हिंदी भाषा की वाणी ये भाषा कवियों का सम्मान। ऋषियों की वाणी ये भाषा कवियों का सम्मान। प्रेम भाव का पाठ पढ़ाता हर पुस्तक का ज्ञान। प्रेम भाव का पाठ पढ़ाता हर पुस्तक का ज्ञान। इसकी खुशबू से महकी ये प्यारी 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 है। हार्दिक शुभकामनाएं। हम सबका अभियान है हिंदी। भारत देश की मान है हिंदी। हिंदी अपनाओ देश का मान बढ़ाओ। हिंदी प्रेम की भाषा है यही इसकी परिभाषा है। हिंदी दिवस ना करो हिंदी की चिंती। हिंदी तो है देश की बिंदी। भारत की भाषाएं सब मिलकर गाएं भारत की गाथाएं। विश्व में फैले इसके गान वसुधैव कुटुंबकम इसकी शान। हिंदी ही अपनाएं हम भारत का भाल उठाएं। Thank you.
मिल के बहना, माँ का गहना बन के रहना। विश्व भाषाओं को गले लगाना, सारी बहना मिल के बहना, माँ का गहना बन के रहना। जय जय हिंदी, जय भारत माँ, विश्व पटल पर शोभित गान। जय जय हिंदी, जय भारत माँ, विश्व पटल पर शोभित गान। सात समंदर मसी करे, लेखनी सब बन राई, सब धरती का गद करे, हिंदी गुण लिखान जाई। सब मिल गाए हिंदी, करो हिंदी का मान, तभी बढ़ेगी देश की शान। हिंदी जिसका नारा है, वो भारत हमको प्यारा है। भाषाओं से भरे इस देश में लिखी भाषाओं की फुलवारी है, इनमें हमको सबसे प्यारी हिंदी राष्ट्रभाषा हमारी है। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। नमस्कार, आज मैं आपके सामने हिंदी साहित्य जगत के उभरते कवि पुष्पेंद्र उपाध्याय की कविता शस्त्र उठा लो द्रौपदी अब कृष्ण ना आएंगे प्रस्तुत करती हूँ। प्रस्तुत कविता में कवि ने स्त्रियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा है कि समय आ गया है, उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा, अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। सुनिए ये कविता। छोड़ो मेहंदी खड्ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। शतरंज बिछाए बैठे शगुनी, शतरंज बिछाए बैठे शगुनी, मस्तक मस्तक सभी चाहेंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब कृष्ण ना आएंगे इस युग में कृष्ण का इंतजार ना करो द्रौपदी, घोर कलयुग की है ये 21वीं सदी। यहाँ तुम्हें अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी, आंसू से नहीं अंगारों से अपनी आंखें भरनी होगी। कृष्ण के वेश में दुशासन घात लगाए बैठे हैं, जिनसे आशा है तुमको ईमान बेच कर बैठे हैं। लज्जाहीनों की ये सभा लाज यहाँ ना बच सकती। शस्त्र उठा लो द्रौपदी नहीं और कुछ कर सकती। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रहे हो दुशासनों के दरबारों से। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हो विख्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब कृष्ण ना आएंगे मेहंदी से नहीं तलवारों से हाथों का श्रृंगार करो। शतरंज बिछाए बैठे शगुनी मांग रहे हो दुशासनों के दरबारों से। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हो विख्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब कृष्ण ना आएंगे मेहंदी से नहीं तलवारों से हाथों का श्रृंगार करो।
शतरंज बिछाए बैठे शगुनी, शतरंज बिछाए बैठे शगुनी, मस्तक मस्तक सब भीग जाएंगे। अंधे बहरे गूंगे है यहाँ की राजा और प्रजा, तुमको ही देनी होगी, तुमको ही देनी होगी अपराधी को घोर ससा। कल तक केवल अंधा राजा, कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगे बहरे भी है, होठ सीधे है जनता के, होठ सीधे है जनता के, कानों बहरा भी है। द्रौपदी द्रौपदी फिर लूट रही है, द्रौपदी फिर लूट रही है, दिन दहाड़े माउन पांडव दिखते हैं, माउन पांडव दिखते हैं, आंखें फाड़े। हो गया है, हो गया है सत्य अंधा, न्याय बहरा और धर्म अपन। तुम ही कहो, तुम ही कहो, ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे। सुनो द्रौपदी, सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब कृष्ण ना आएंगे इस युग में, इस युग में द्रौपदी नहीं दुर्गा का अवतार लेना होगा। जो गलत करते हैं तुम्हें उसे सही जवाब देना होगा। अब दुशासनों को मत छोड़ो, अब दुशासनों को मत छोड़ो, तभी इन सब के समझ में आएंगे। सुनो द्रौपदी, सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब कृष्ण ना आएंगे। सुनो द्रौपदी, सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब कृष्ण ना आएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, आज हम हिंदी दिवस के अवसर पर आज के भारत में हिंदी जानने की आवश्यकता के बारे में बात करने जा रहे हैं। साथियों, हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी प्रबुद्ध राष्ट्र 14 सितंबर को हिंदी दिवस मना रहा है। भारत एक ऐसा देश है जहां अनेक भाषाएं व विविध वेशभूषाओं के होते हुए भी अनेकता में एकता का एक अनुपम उदाहरण है। इन्हीं भाषाओं में से हिंदी भाषा भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि के साथ भारतीय गणतंत्र का औपचारिक भाषा माना गया, जिसका जिक्र 26 जनवरी 1950 में पारित हुए भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। लेकिन क्या दोस्तों, क्या आपको लगता है हिंदी भाषा को केवल राजभाषा तक सीमित रखना उचित है? क्या इस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा पाने का कोई हक नहीं है? कुछ क्षेत्रीय राजवादियों के कारण हिंदी आज भी संघर्ष कर रहा है। आज के समय में लोग केवल अंग्रेजी को ही महत्व देते हैं। आज के समाज में केवल उन्हीं को पढ़ा लिखा समझा जाता है जो अंग्रेजी में बात कर पाते हैं। इन्हीं की संस्कृति में हिंदी को हीन दृष्टि से देखा जाता है। मैं किसी भाषा के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हर भाषा का अपना अपना महत्व भी होता है, बल्कि इंसान को नए से नए भाषा भी सीखनी चाहिए। लेकिन ताई चाची मौसी के लिए अपनी जननी माँ को भूल जाना, क्या ये उचित है? क्या यही पढ़े लिखे होना है? अंग्रेजी और हिंदी के बीच की लड़ाई में हिंदी हारता चला जा रहा है। लेकिन दोस्तों, हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि यह एक भाषा ही थी, वह एकमात्र भाषा यही हिंदी है जिसने पूरे देश को एकत्रित आगे बढ़ने में प्रेरित किया, जिसने हमें सहाया था कि इस अनेकता के माहौल में एकत्रित चलने में, और आज यही भाषा संघर्ष कर रही है। हिंदुस्तान के धरा में जन्म लेकर हिंदी बोलने में हमें कभी शर्माना नहीं चाहिए। शर्मिंदा तो उन्हें होना चाहिए जिसे अपनी मातृभाषा नहीं आती। तो इसी के साथ मैं एक कविता के कुछ शब्द पेश करना चाहती हूँ, वो इस प्रकार है। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, देवनागरी है लिपि जिसकी, देवनागरी है लिपि जिसकी, हर शब्द है प्यारा। लेकिन समय के इस काल खंडों में मेरी माँ हिंदी का पतन हो गया, मौकाले अपनी सोच में सफल हो गया, मौकाले अपनी सोच में सफल हो गया, मेरी माँ हिंदी का चेहरा उदास हो गया, मेरी माँ हिंदी का चेहरा उदास हो गया। हिंदुस्तानी है अब अंग्रेजी के खास,
हिंदुस्तानी है अब अंग्रेजी के खास, क्या हम भूल गए कई वर्षों पहले इन्हीं अंग्रेजी ने बनाया था हमें गुलाम, क्या हम भूल गए कई वर्षों पहले इन्हीं अंग्रेजी ने बनाया था हमें गुलाम, और आज इसी भाषा को करते हैं हम सलाम, और आज इसी भाषा को करते हैं हम सलाम। हिंदुस्तानियों उठो और जगाओ अपने सोए हुए स्वाभिमान को, हिंदुस्तानियों उठो और जगाओ अपने सोए हुए स्वाभिमान को, ताकि हम दिला सके अपनी मातृभाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा की पहचान, ताकि हम दिला सके अपनी मातृभाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा की पहचान, ताकि जिंदा रख सके हम अपना सम्मान, ताकि जिंदा रख सके हम अपना सम्मान। तो साथियों, हमें यदि आगे बढ़ना है, यदि हमें अपने राष्ट्र को आगे बढ़ना है, तो हिंदी को उसकी वास्तविक पहचान मिलना भी अत्यंतिक ए बदन बदन मेरे आभाग रहे तू, मैं जहान हूँ जहाने याद रहे तू, ए बदन मेरे बदन, ए बदन मेरे बदन, तू ही मेरे मंजिल है पहचान तुझी से, पहचू न जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ए बदन मेरे बदन, बदन मेरे बदन, तुझ पे कोई गम के आज आन नहीं तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ए बदन बदन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहान हूँ जहान में याद रहे तू, ए बदन मेरे बदन, ए बदन मेरे बदन, ए बदन मेरे बदन। जय हिंद। साथ यही तक था, ये तेरी जमीन तेरे खून से ही तो सजती सवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू।
मैं नेहा 12 कक्षा में पढ़ती हूँ। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज 14 सितंबर हिंदी दिन, हिंदी छात्रों की तरह हमारे बड़े गर्व होना दिन। क्या आपको यह हिंदी दिन के बारे पर जानता है? हाँ, भारत की आज़ादी मिलने के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 के संविधान समिति हिंदी को राष्ट्रभाषा से घोषित किया गया और इसके बाद हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिन से मनाया जाने लगा। मैं बड़े खुशी था कि यह पवित्र मौका पर आपको सत्कर्ण और आज के भारत पर हिंदी जानने के आवश्यकता के कुछ करने को। भाषा भावों प्रकट करने के एक उत्तम मार्ग है। हिंदुस्तानी की राष्ट्रभाषा है हिंदी। यह हिंदी सीखने या पढ़ने को बड़े सरलता या बड़े आसानी था। ऐसे होने वाला हिंदी हमारे तरह एक भाषा भी नहीं, भावों की प्रकट करने के कभी है, मातृभूमि पर मर मिटाने की भक्ति है। हिंदी देवनागरी लिपि से पैदा हुआ। हिंदी के शब्द संस्कृत से लिया गया था। ऐसे ही तो मैथिली शरण गुप्त जी, प्रेमचंद, कबीर दास आदि के रचना में केवल हिंदी भाषा भी नहीं और इसके बारे पर प्रेम और हमारा मातृभूमि का प्यार आदि को सीख गया है। हम जानता है हमारा नव माध्यमों से आने वाला व्हाट्सएप, फेसबुक, SMS आदि में हिंदी एक ना एक दिन पुरोगित हो जाता है। आज यूनिकोड के सहारा में कंप्यूटर भी हिंदी फैला गया है। ऐसे होने वाला हिंदी हमारे भारत के मूल्यों को बड़े होने का अहम भूमिका मिल गई है। यह हिंदी ना तो हमारा भारत भी ना होगा। ऐसे होने वाला हिंदी को आज के समाज, आज के भारत को सीख करने को एकजुट बन गयो या गड़े होगा। ऐसे बोलती तो मेरा भाषण को समाप्त करने के समय भी आ गई है। आप सबको हिंदी दिन की मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। प्रिय प्रधान शिक्षक, अध्यापिकाओं और मेरे प्रिय मित्रों, आज आपके समक्ष आज के भारत में हिंदी जानने की आवश्यकता विषय पर अपने विचार प्रकट करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। जब से मानव अस्तित्व में आया तब से ही वो भाषा का उपयोग करता है। भाषा हमारे लिए बोलचाल का माध्यम होता है। इसके अलावा अपने विचार को प्रकट करने के लिए भी हम भाषा का उपयोग करता है। भाषा की इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना गया है। हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है। बड़ी सरल सी और प्यारी सी भाषा है हिंदी। स्वतंत्र संग्राम के समय में हिंदी की भूमिका बहुत बड़ी रही है। आज के आधुनिक माध्यम जैसे SMS, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि पर हिंदी का प्रचार दिन प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं। इसके अलावा गूगल और याहू पर भी इसका प्रचार होते हैं। संसार में 40 से अधिक स्कूल और विश्वविद्यालयों पर हिंदी का प्रचार होता है। वहाँ पर हिंदी का अध्ययन और अध्यापन भी होता है। इसके अलावा मॉरीशस, त्रिनिदाद, सूरीनाम आदि जगह पर भी हिंदी का प्रचार होता है। हिंदी के सम्मेलन भी होता है। आज तक 10 विश्व हिंदी सम्मेलन हो गए हैं। हिंदी फिल्मों और हिंदी गीतों लोकप्रिय है। विदेशों पर भी वो बहुत प्रिय है। हिंदी के प्रचार के लिए हमारा मंत्रालय बहुत सारी चीज करते हैं। Oh,
छंद से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम दिन ये घर सोना सोना है। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत मेरा प्यार है, बस तेरा प्यार ही मैं तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना, कम से कम है कम से कम है, कम से कम है कम से कम है, जो ऐसे तो दिल दुश्मन के हिंदी भाषा उत्थान एवं भारत गौरव के संदर्भ में प्रस्तुत है यह गीत। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन इसे सम्मान दो, हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन इसे सम्मान दो, मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, ना कभी अपमान हो, संस्कृत जननी है जिसकी हिंदी उसका लाल है, हिंदी उसका लाल है, हिंदी की बिंदी से दम के भारती का भाल है, माँ भारती का भाल है, तोड़ दो अब सैकड़ों वर्षों पुरानी बेड़ियाँ, वर्षों पुरानी बेड़ियाँ, अब गुलामों की वो भाषा ना मेरी पहचान हो, हिंद के गौरव उठो हिंदी को उच्च स्थान दो, हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन इसे सम्मान दो, है देवनागरी देवत्व देती दान में, देवत्व देती दान में, आंग्ल भाषा तमस गुण प्रदान करती ज्ञान में, प्रदान करती ज्ञान में, माँ की बोली से प्रथम हमको मिली संवेदना, माँ की बोली से प्रथम हमको मिली संवेदना, माँ से माटी से कहीं ना जान कर अनजान हो, तन का मन का और वतन का हिंदी से उत्थान हो, हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन इसे सम्मान दो, मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, ना कभी अपमान हो, हृदय की हिंदी है भाषा, हिंदी है दिल का सुकून, हिंदी है दिल का सुकून, कार्य क्षमता को बढ़ाने इसमें है जोशे जुनून, इसमें है जोशे जुनून, संवाद सीधा सर्वहारा वर्ग से हमें जोड़ता, हर वर्ग से हमें जोड़ता, आबाद हर एक प्रांत की रग में लहू बन दौड़ता, हिंदी के कल्याण से ही राष्ट्र का निर्माण हो, हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन इसे सम्मान दो,
किसकी गूंगा और बेकार है, गूंगा और बेकार है। राष्ट्र से जो प्यार ना करते उन्हें धिक्कार है, हाँ उन्हें धिक्कार है। एकता की जान हिंदी, शान हिंदी से है हम भारतीय को भेंट में यह ईश्वरीय उपहार है, ईश्वरीय उपहार है। हिंदी के ही विकास से विकास हिंदुस्तान का, राष्ट्र की भाषा से गौरव राष्ट्र के सम्मान का, राष्ट्र की भाषा से गौरव राष्ट्र के सम्मान का। हिंदी वह भाषा जो हमारे भारत के मुख्य स्थानों में बोली जाती है। हिंदी वह भाषा है जो हम सभी भारतीयों को एक साथ लेकर आती है। जी हाँ, इसलिए तो हम हिंदी को हमारा भारत का राष्ट्रभाषा कहलाते हैं। हिंदी का महत्व समझाते हुए बताते हुए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाते हैं। इसके प्रति हमारे पाठशाला द्वारा एक छोटी सी कार्यक्रम हमने आयोजित किया है, आशा है आप लोगों को वो अच्छी लगी। धन्यवाद।